हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं बताने वाला हूं आपको MCO 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर। तो एक बायर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऑलरेडी 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 18,000 लोगों को हमारे चैनल से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल चुके हैं। हमारे चैनल ने अभी हाल ही में एक मेंबरशिप प्लान इंट्रोड्यूस करा है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेंबरशिप प्लान को लेना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको मिल जाती है। इसमें आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको इग्नू के अपडेट्स, आपको असाइनमेंट्स फ्री में मिलेंगे। आपको आपके जो नोट्स होंगे, जो अगर आपको नोट्स हमारे यहाँ से चाहिए होंगे तो वो भी आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। और हमारे जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल चुका है। और मैं वीडियोस भी उन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बनाता हूँ जिनके जो कि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं या फिर आने वाले होते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी खासियत है। अब हम बात कर लेते हैं इग्नू एमकॉम के प्लेलिस्ट के बारे में। तो अगर आपको इन सब वीडियोस को वन बाय वन अगर प्लेलिस्ट में वॉच करना है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको हमारे इग्नू जो कॉमर्स की पाठशाला है इसमें आपको आना होगा और एमकॉम का जो प्लेलिस्ट है उसे खोलना होगा। उसको खोलने के बाद आपको यहाँ ढेर सारी वीडियोस दिखेंगी जहाँ पे आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, राइट? तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में कि क्यों इंपॉर्टेंस होता है जब आप किसी बायर के बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करते हो, उसको आप समझते हो, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स आर बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बिलीव्स अबाउट बायर बिहेवियर। तो जो भी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, फिर जो भी टैक्टिक्स होती हैं, वो बिल्कुल ही इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट बिलीव्स होती हैं अबाउट द बायर बिहेवियर। हम ये अनुमान लगाते हैं कि बायर का ये बिहेवियर है, बायर इस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को बनाते हैं। द स्टडी ऑफ बायर हेल्प्स फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय अंडरस्टैंडिंग इश्यूज सच एज। तो जब आप स्टडी करते हो बायर के बिहेवियर को, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है पता चलती हैं। तो यहाँ पे जो भी इश्यूज आपको फेस करनी पड़ती हैं बायर के बिहेवियर को लेकर के अपने प्रोडक्ट को बेचने में, उन सब इश्यूज के बारे में यहाँ पे एक एक करके बात की जा रही है कि किस तरीके से आप अपने फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो इन सारे इश्यूज को एक तरीके से एक्नॉलेज करके, मतलब बायर के बिहेवियर को एक्नॉलेज करके। तो सबसे पहला जो यहाँ बुलेट पॉइंट है वो ये है कि हाउ बायर्स थिंक फील रीजन एंड सेलेक्ट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ईजी, है ना? तो किस तरीके से एक बायर महसूस करता है, सोचता है, या क्या रीजन देता है वो खुद को किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने का, या उसके ऑल्टरनेटिव वो क्यों चुनता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बायर के मन में चल रही होती हैं जिसके बेसिस पे वो जो है डिसीजन लेता है। दूसरा पॉइंट है हाउ इज द बायर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर एनवायरमेंट साइंस एंड मीडिया, है ना? तो किस तरीके से बायर को जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने आसपास के एनवायरमेंट से, चाहे वो कल्चर हो, फैमिली हो, साइंस हो या फिर मीडिया हो। तो इस तरह की जो इश्यूज होती हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो जब आप बायर बिहेवियर को समझोगे, जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, राइट? अगला पॉइंट है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर बायर बिहेवियर बिहेवियर बायर बायर्स डिस्प्ले व्हाइल शॉपिंग और मार्केट और मेकिंग अदर मार्केटिंग डिसीजंस, है ना? तो एक तरीके से जब आप बायर बिहेवियर को स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि एक बायर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो क्या सोच रहा है ना? तो जब भी वो शॉपिंग में जाता है या फिर जो भी उसकी मार्केटिंग डिसीजंस होती हैं, जो भी उसके डिसीजंस होती हैं, आप उसको एक तरीके से पहले से प्री डिटरमाइन कर सकते हो कि वो जो है इस तरीके से सोच रहा है या फिर इस तरीके से सोचेगा। तो ये एक जो है बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है जब आप बायर के बिहेवियर को एनालाइज करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो। हाउ बायर मोटिवेशन एंड डिसीजन स्ट्रेटजीज डिफर बिटवीन प्रोडक्ट्स दैट डिफर इन देयर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट दैट दे इंटेल फॉर द बायर, है ना? यहाँ पे बोली गई कि किस तरह से बायर का जो मोटिवेशन है या फिर डिसीजन स्ट्रेटेजी है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के डिफर करता है जब उनके लेवल ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंपॉर्टेंस के ऊपर असर पड़ता है। सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट मैंने चूज करा जिसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा है, एक सिमिलर प्रोडक्ट वहां पे रखा हुआ है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है, और एक प्रोडक्ट है जो कि रीजनेबल प्राइस पे है और उसकी इंपॉर्टेंस भी सेम है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सोचूंगा ना कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जो मेरा लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस होगा, जो मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग एक मैं
एज ए बायर मैं मोटिवेट होऊंगा या डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, राइट? तो इस केस में बायर का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप उसको जो यहाँ पे आपको वो हेल्प मिलती है जब आप स्टडी करते हो. तो हाउ आर मार्केटियर्स कैन इम्प्रूव देयर प्रमोशनल कैंपेन्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू टारगेट द बायर मोर इफेक्टिवली. जब आप बायर के बिहेवियर को स्टडी करते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि किस तरीके से मार्केटियर्स यू नो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रमोशनल कैंपेन्स को या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को जब वो किसी बायर को अच्छे तरीके से उसके बिहेवियर को समझने लगते हैं, ठीक है ना? Now, there are four main applications of buyer behavior which are discussed below. तो चार तरह के buyer behavior के applications होते हैं. हम एक-एक करके इन चारों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला है, the most obvious is for marketing strategy, है ना? तो जो सबसे पहला behavior का इस्तेमाल होता है या फिर application होता है उसको understand करने का, वो यही होता है कि आप एक marketing strategy तैयार करते हो. For making better marketing decisions, for example, by understanding that buyers are more receptive to food advertising when they are hungry, we learn to schedule snack advertisements late in the afternoon, है ना? जब हमें ये पता चलता है कि लोगों को दोपहर के टाइम पे भूख लगती है तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करेंगे कि हम अपने खाने का जो जो एड है, जो एडवर्टीजमेंट है, हम वो बोलेंगे कि तुम इसको दोपहर में चलाओ, क्योंकि लोगों को दोपहर में भूख लगती है तो जब वो देखेंगे हमारे यहाँ का एड तो फिर वो हमारे यहाँ आकर के खाना खाएंगे. आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक तरीके से बायर की जो नीड है, जो जो बायर है वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होता है फूड को लेकर के, फूड एडवर्टाइजिंग को लेकर, जब वो उनको भूख लगती है. सोचो आप दोपहर में खाना खाने के लिए बैठे हो, आपको बहुत जोरों की भूख लगी है और टीवी में कोई एड चल रहा है खाने के ऊपर, किसी फूड के ऊपर, तो डेफिनेटली आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा क्योंकि आप फोकस करके रखा है आपने अपने फूड के ऊपर, है ना? तो समझ रहे हो आप, इस तरीके से जो है एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और एप्लीकेशन किया जाता है, राइट? तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया. दूसरा एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन इज पब्लिक पॉलिसी. सेकंड एप्लीकेशन होता है पब्लिक पॉलिसी को लेकर के. इन 1980s व्हेन एक्सेंचर का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, सॉरी एक्यूटेन है, ये माफी चाहूंगा, एक्यूटेन है, अ नियर मिरेकल क्योर फॉर एक्ने, है ना? एक्यूटेन जो है एक तरीके से मिरेकल था जो कि एक्ने को दूर करता था, रिजल्टेड इन सीवियर बर्थ डिफेक्ट इन द प्रेग्नेंट वुमेन. लेकिन साथ ही साथ ही जो सेम बहुत ज्यादा ये बर्थ डिफेक्ट भी कर रहा था प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, तो बाद में जाकर के FDA ने, जो कि US की यू नो ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसी है जिसका नाम है फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, took the step of requiring that very graphic picture of deformed babies be shown on the medicine containers. तो उन्होंने कहा कि आपका जो मेडिसिन कंटेनर है उसके ऊपर आप ये भी ऐड करो, ये भी दिखाओ लोगों को कि किस तरीके से आपका मेडिसिन इस्तेमाल करने से उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ रहा है और बच्चे जो है डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे हैं. ये भी एक तरह की बात हो जाती है, एक आप पब्लिक पॉलिसी भी इसमें लाया जा सकता है, एक सेकंड एप्लीकेशन ये है, ठीक है ना? उसके बाद है, सोशल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग आइडियाज अक्रॉस द बायर्स रादर देन सेलिंग समथिंग, है ना? सोशल मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप आइडियाज निकालते हो बायर से, ना कि किसी चीज को बेच करके. आप बायर से यू नो आइडियाज को निकालते हो कि किस तरीके से बायर सोच रहा है या किस तरीके से वो काम करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने डिसीजन को करते हो, डिसीजन लेते हो, है ना? Understanding buyer behavior will help in espousing for social causes such as planned families, prohibition, equality of girl child, etc. तो जब आप buyer behavior को समझते हो ठीक तरीके से तो आप एक तरीके से acknowledge कर पाते हो कि उनकी thinking कैसी है, उनकी planned thinking कैसी है, उनकी you know एक तरीके से जो उनका सोच है girl child को लेकर के या prohibition को लेकर के किसी चीज की, वो कैसा है, है ना? So government agencies with the help of buyer behavior knowledge may develop appropriate promotional strategies for greater acceptance of social causes, है ना? तो government agencies जो होती है वो इन buyer behavior knowledge जो agencies होती है उनके साथ मिल करके you know कोई appropriate promotional strategy चलाती है जिसके जरिए उसका असर जो है you know सही तरीके से लोगों के ऊपर पड़ पाता है और जो social cause के लिए जो sometimes काम किए जाते हैं वो भी ठीक तरीके से हो पाता है. Now it's about the last point. As a final benefit, जो आखिरी benefit हमें मिलता है buyer behavior को study करके, वो ये होता है कि studying buyer behavior should make us better buyers. तो जब आप इसको एक तरीके से study करते हो तो आप एक बेहतर buyer बनते हो, आप एक अच्छा buyer बनते हो. Common sense suggests, for example, if you buy a 200 ml liquid bottle of laundry detergent,
यू शुड पे लेस पर एमएल इफ यू बॉट 200 ml बॉटल्स, है ना। तो आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप सपोज 200 ml का कोई लिक्विड बॉटल खरीद रहे हो जो कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट का है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको कम पैसे पेमेंट करने चाहिए जब आप 100 ml के दो बॉटल्स खरीद रहे हो, है ना। यू शुड पे लेस पर मिलीलीटर देन यू बॉट 200 ml बॉटल्स। इन प्रैक्टिस हाउएवर व्हेन यू ऑफन पे अ साइज प्रीमियम बाइंग द लार्जर क्वांटिटी, इन अदर वर्ड्स इन दिस केसेस नोइंग दिस फैक्ट विल सेंसिटाइज यू द चेक द यूनिट्स कॉस्ट लेबल्स टू डिटरमाइन इफ यू आर रियली गेटिंग अ बार्गेन, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है बताई गई हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर जो है एक तरीके से मेंटली यू नो प्रेशर बनाया जाता है कि आप जो है इस चीज को बाय करो ताकि वो ज्यादा बेहतर हो। आप सपोज 200 ml का कोई लॉन्ड्री डिटर्जेंट खरीद रहे हो, उसके कंपैरिजन में आप अगर ये सोचोगे कि आप 100 ml का दो बोतल खरीदोगे तो तकरीबन आपको सेम ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से एक यू नो आपके दिमाग पे एक तरीके से तैयार किया जाता है, आपके दिमाग पे एक तरीके से जोर डालना आपको पड़ता है कि क्यों ऐसा जो है हो रहा है ना। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे साइज प्रीमियम की बात की जा रही है कि आपको ज्यादा पेमेंट पर करना पड़ता है जब आप प्रीमियम साइज की कोई चीज करना चाहते हो, तो है ना। यू ऑफन पे अ साइज प्रीमियम, है ना, आप पे करते हो एक साइज प्रीमियम बाय बाइंग द लार्जर क्वांटिटी। आप जब लार्जर क्वांटिटी पे करते हो तो अब आप एक तरीके से प्रीमियम भी पे करते हो। तो जब आप 200 ml खरीदोगे तो देखना आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और 100 ml जब आप खरीदोगे तो आपको कम पे करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट, राइट। सो और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि अदर वर्ड्स में अगर समझा जाए तो नोइंग द फैक्ट विल सेंसिटाइज यू। ये बात सुनकर के आपको काफी ज्यादा सेंसिटिव लगेगा कि आपको, और इसीलिए आप एक तरीके से क्या करोगे, आप बार बार जो है यू नो प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उसको आप चेक करोगे बार बार कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, है ना। सो दैट इज व्हाई बायर बिहेवियर जो है पढ़ने का उसका एक अलग से इंपॉर्टेंस है, बायर बिहेवियर को समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है ना। नीचे देख लेते हैं, इन टूडेज वर्ल्ड हाई टेक्नोलॉजी बायर टेस्टेस आर ऑल्सो चेंजिंग रैपिडली। टू सर्वाइव इन सच रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट द फर्म हैज टू कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड द लेटेस्ट कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड टेस्टेस, है ना। तो अभी के टाइम में जैसा कि हाई टेक्नोलॉजी आ गया है उसके कारण से जो बायर का टेस्ट है वो भी बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है, और इस तरह के मार्केट में सर्वाइव करने के लिए जहाँ पे जो चीजें हैं बहुत ही तुरंत बदल जा रही हैं, आपको जो है कॉन्स्टेंटली आपको समझते रहना पड़ेगा कि एक बायर की क्या ट्रेंड मतलब क्या टेस्ट है या फिर उसके क्या ट्रेंड्स है, क्योंकि वो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है, है ना। सो बायर बिहेवियर प्रोवाइड्स अ इनवैल्यूएबल क्लूज एंड गाइडलाइंस टू मार्केटियर्स ऑन न्यू टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स व्हिच दे शुड एक्सप्लोर, है ना। तो जो बायर बिहेवियर होता है वो एक तरीके से इनवैल्यूएबल क्लू आपको प्रोवाइड करता है, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मार्केटियर्स को कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में आप किस तरीके से नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनको एक तरीके से रिझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द एडवेंट ऑफ कलर टेलीविजन इन इंडिया, है ना। व्हेन वी स्विच्ड ओवर फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन टू कलर ट्रांसमिशन इन द अर्ली 80s, द बायर्स एग्जिबिटेड अ डिजायर टू परचेज अ कलर टीवीज फॉर क्लोजर टू लाइव पिक्चर व्यूइंग, है ना। जब हम लोगों ने स्विच करा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी, तो लोगों ने कलर टीवी को लेना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उनको लगता था कि कलर टीवी लेने से जो एक्चुअल लाइफ है, जैसे कि हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कपड़े हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पहनते हैं, तो आप एक तरीके से जो रियल लाइफ है, जो रियल जिंदगी है, आप उसको महसूस कर सकते हो जब आप कलर टीवी में किसी चीज को वॉच करोगे। तो दैट इज व्हाई पीपल वेयर लाइक ईगर टू बाय कलर टीवीज एट दैट टाइम, 80s की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और दैट इज वाई कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना या फिर उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने इस टॉपिक को कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया है अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर को के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।